हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजने वाले 8 बज रहे हैं। आज कोई ब्लॉग नहीं, आज स्किन केयर रूटीन अपनी शेयर करूँगी जो जनरली मैं करती रहती हूँ अपना। गर्मियों में कुछ भी लग रहा था, समर गर्मी सीजन चल रहा है ना, तो इस समय टैनिंग ये सब बहुत पड़ती है, क्योंकि जो बाहर जाता हूँ खैर ज़्यादा ही पड़ती है, लेकिन घर में भी पड़ती है, धूप पड़ता ही है, कपड़े डालने जाते हैं आप कहीं भी खाना बनाते हो उससे भी हीट से भी काफ़ी हो जाती है, टैनिंग होती है गर्मी में भी जितना भी आप कैल करें। तो मैं ज़्यादातर दही लगा लेती हूँ, दही या, लेकिन आज लगाने जाऊँगी जो ग्लो तो ऑब्वियसली करेगा ही, लेकिन सन टैन भी रिमूव करे और एंटी एजिंग का भी काम करे। तो चलिए देखते हैं, लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर नहाऊँगी। क्या छुट्टी है सॉरी माँ के, तो देर से ही नहाऊँगी। तो अभी काम ख़त्म हो गया, पहले पैक लगा के फिर नहाते हैं। चलिए ये थोड़ा कॉफ़ी, डाली थी थोड़ा सा बेकिंग पर लगा चुके हैं उसमें से, तो गर्मी आ गई ना आती थी, तो वो नहीं काफ़ी टाइम का था, ये चार्ज पूरा रिमूव कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ इसे। चलिए नेक्स्ट इंग्रीडियंस है हनी, एक चम्मच हनी। हनी मॉइस्चर लाएगा, थोड़ा सा ग्लो भी लाएगा, और दही तो वैसे ही टैनिंग ये सब ख़त्म करने में, दाग वाग भी ख़त्म करने में काफ़ी लगता है। कॉफ़ी तो एंटी एजिंग का बहुत अच्छा काम करता है। इन तीनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जो बचेगा ना हाथों में भी लगा लूंगी, हाथों में या नेक में, अच्छे से मसाज करते बाथरूम में। चलिए हाथों की टैनिंग सारी खत्म हो जाएगी। रेजिंग साइन भी आती है, जूली पूरी से हाथों में लगती है ना एक टाइम के बाद, वो भी जल्दी से। कॉफी ना बहुत अच्छा करता करके वॉश कर लेते हैं।
कर लिया है, बीच बीच में हफ्ते में एक दो बार करते दही से, तो चाहे तो मैं अक्सर ही कर लेती हूँ हफ्ते में दो तीन, जैसे पैक नहीं भी लगाया तो दही एक चम्मच लेके सुबह फेस वॉश करने की जगह ब्रश करके हल्का सा सिंपल सा मुंह पहले धो लेती हूँ, बाद में नहाते समय दही लेके अच्छे से पूरे चेहरे पे हाथ में टहने की से किनारे समय करके, तो थोड़ा सा मैं बेसन ही डाल दिया, आटा डाल दिया, लेकिन उससे भी काफ़ी इस चीज़ साफ़ हो जाता है दही से, तो ऑब्वियसली एक अलग ही ग्लू आता है। हाँ, ये तो मॉइस्चर कर ही देता, मॉइस्चराइजर देता ही है, पर दही से अलग ही एक ग्लू आता है। कॉफ़ी एंटी एजिंग का बहुत अच्छा काम करता है, जिनकी 40+ एज हो जाती है ना, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। ओट्स को पीस के पाउडर बना के पाउडर फॉर्म में रख लीजिए। ज़्यादातर मैं जनरली बाथरूम में दो तीन डिब्बों में अपने पैक बना बना के रख देती हूँ, किससे कि ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सुबह क्या इतना टाइम नहीं रहता है कि बनाओ पैक बनाओ फिर लगाओ, है तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रख देती हूँ, हनी थोड़ा सा रख दिया, और दही नहीं भी लगाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा आटे में या बेसन में या ओट्स पाउडर में थोड़ा सा अपना हनी मिला के या तो गुलाब जल ऐड कर देती हूँ, लगा के अच्छी तरह से धो के बस फेस वॉश रिफिल नहीं करती हूँ, करके कर लिया फेस वॉश रात में कर लेती हूँ, नहीं तो कभी रात में फिर पूरा पैक लगा लेती हूँ। बस आज का ब्लॉग यहीं तक, अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसे ही एक नए नए ब्लॉग के साथ मिलती रहूँगी, तब तक के लिए बाय।